हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट समरी लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं। जो भी उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम सारे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, हम मान के चले थे कि हमने बिज़नेस अभी शुरू किया ही किया है। अभी हमने कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो कि हमारी कोर बिज़नेस एक्टिविटी है उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, कुछ सोर्सेज थे हमारे पास। तो सोर्सेज दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इंटरनल जो कि होगा कैपिटल, जो ओनर पैसे लगाएगा बिजनेस में, जो रिसोर्सेज ओनर लेके आएगा वो क्या कैपिटल, तो इंटरनल सोर्सेज। दूसरे रहेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज, बाकी जो भी लायबिलिटीज रहेंगी, अदर बोरोइंग्स जो हमने करी, कोई लोन लिया या कुछ भी लिया जो बोरो हमने किया बाहर से, ओनर से रिलेटेड नहीं है, वो क्या एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये हमारे पास सबसे पहले सोर्सेज आ गए फंड्स के। उसके बाद ये फंड्स को हमें यूज़ भी करना होगा, तो यूज़ हम किस चीज़ के लिए करेंगे, कुछ एसेट्स खरीदने के लिए करेंगे। अब उस एसेट्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे फर्नीचर ली, बिल्डिंग ली, और बाकी जो भी बच गया वो फंड्स का, वो क्या बचा, कैश बच गया। तो ये जो सोर्सेज थे दे शुड बी इक्वल टू यूजेस, क्योंकि या तो कुछ एसेट लेने में लग जाएगा या फिर वो क्या बच जाएगा, कैश इन हैंड बच जाएगा या फिर कैश एट बैंक बच जाएगा। तो सोर्सेज शुड बी इक्वल टू यूजेस। तो सोर्सेज में क्या था हमारे पास, एक तो इंटरनल थे एक एक्सटर्नल, तो कैपिटल थी और लाइबिलिटीज थी। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू एसेट्स, और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, और ये हमेशा होल्ड गुड करती है आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस, क्योंकि बाद में जो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होंगे वो भी इसी में इनकॉर्पोरेट हुए जाते हैं। साथ ही में हमने देखा था कि कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स भी बोलते हैं और नेट वर्थ भी बोलते हैं। अब नेट एसेट्स हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें तो कैपिटल अगर हम इसी साइड रखें तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो टोटल जितने एसेट्स हैं अगर हम वो एसेट्स यूज कर लें, जितनी लाइबिलिटीज हैं हमारे पास उनको पे ऑफ करने के लिए, तो हमारे पास क्या बचते हैं, नेट एसेट्स बचते हैं। तो कैपिटल को इसलिए हम नेट एसेट्स बोलते हैं, और नेट वर्थ किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि एसेट्स यूज करके जब हम लाइबिलिटीज पे कर लेते हैं उसके बाद भी हमारे पास जो असल में पैसा बच रहा है, जो रिसोर्सेज बच रहे हैं, वो क्या है, वो हमारे बिजनेस की वर्थ है। तो कैपिटल के दो और नाम है, एक तो नेट एसेट्स और दूसरा क्या, नेट वर्थ। फिर हमने देखा था कि आगे चल के क्या होगा, आगे चल के तो ट्रांजेक्शन होंगी, तो इनकम्स भी होंगे मतलब कमाई भी करेंगे हम, और खर्चे भी होंगे मतलब एक्सपेंसेस भी होंगे। तो अब हमने देखा था कि कैसे हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें बहुत अच्छे से पता है, प्रॉफिट क्या होता है, वो होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है, जो भी नेट रिजल्ट निकलता है, चाहे प्रॉफिट निकले चाहे लॉस निकले, वो कहाँ एडजस्ट होता है, वो कैपिटल में ही एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वो असल में किसको बिलोंग करता है, वो ओनर को ही बिलोंग करता है। तो जो प्रॉफिट का पोर्शन होता है या जो लॉस होता है वो कैपिटल में एडजस्ट होता है। तो कैपिटल प्रॉफिट पोर्शन से बढ़ जाती है और लॉस के कारण कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब क्योंकि ऐसा हो जाता है और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें क्या दी होती है, ट्रांजैक्शंस दी होती है, हमारे पास सिर्फ एसेट लायबिलिटी और कैपिटल ही होता है उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो हम नेट इफेक्ट नहीं डाल पाते। तो हमें ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन चलना पड़ता है, और इनकम और एक्सपेंसेस को डायरेक्टली हम किस पे इफेक्ट डालते हैं, कैपिटल पे डालते हैं। तो इनकम्स और गेंस से क्या होता है, इनकम और गेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। ऐसे क्यों था, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, प्रॉफिट भी हमारा उस कारण से बढ़ जाता है, और क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाता है इसलिए क्या होता है, हमारी कैपिटल भी बढ़ जाती है। इसलिए जो इनकम्स होती हैं दे आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल, जो भी इनकम के साथ होगा वही कैपिटल के साथ होगा। तो इनकम बढ़ी कैपिटल बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ा, इसलिए क्या हुआ, कैपिटल भी बढ़ गई, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ जाता है, अल्टीमेटली कैपिटल में जाता है। और इसका उल्टा जो है वो एक्सपेंसेस के साथ होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। अगर एक्सपेंस बढ़ा तो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट कम हो गया। अब प्रॉफिट कम हो गया इसलिए क्या हुआ, आपकी कैपिटल भी कम हो गई, क्योंकि वही प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड होता है। इसलिए एक्सपेंसेस और लॉसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि ये क्यों होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि क्या क्या एडजस्टमेंट रह सकते हैं कैपिटल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या दे सकता है, एक तो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस होगा, उसमें एडिशनल कैपिटल आप ऐड करते हो क्योंकि और पैसे ले आया, और रिसोर्सेज ले आया, उससे क्या होगा, आपकी कैपिटल बढ़ जाती होती है। ड्रॉइंग्स आप माइनस करते हैं, उसमें से क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ड्रॉइंग्स का इफेक्ट तो यही होता है, वो कैपिटल
को कम कर देती होती हैं। पहले हमें कैपिटल के कारण उस ओनर को उतने पैसे देने थे, अब क्योंकि वो ड्रॉइंग्स कर गया, क्योंकि वो कुछ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर गया, उतना बैलेंस हमारा कैपिटल का कम हो जाता है, इसलिए ड्रॉइंग्स हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं और लॉस माइनस करते हैं, जो भी नेट इफेक्ट होता है वो कैपिटल में ही एडजस्ट करके क्या हमारे पास निकल जाती है, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाती है, उसका एंड बैलेंस निकल जाता है एंड ऑफ पीरियड का। तो ये वाली जो चीज़ है वो जो मिसिंग फिगर्स निकालनी होंगी उसमें यूज़ होती है, और जो नेक्स्ट टाइप का सम होता है जिसमें हमें फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होता है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का, उसमें हम क्या करते हैं, थ्री स्टेप्स लगाते हैं जहाँ पे हमें ट्रांजैक्शंस दी होती हैं अलग अलग। तो थ्री स्टेप्स में पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब दो अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, और हम दोनों टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है कि कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि एक ही अकाउंट के कारण कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, यही बेस है किसका, डबल एंट्री बुक कीपिंग का, जो कहता है कि दो अकाउंट्स तो होने ही होने चाहिए एक ट्रांजैक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अकाउंट्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि हम देखते हैं उन अकाउंट का नेचर क्या है, मतलब कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है, किस पे उसका इफेक्ट पड़ता है, वो है क्या, उसका नेचर क्या है उस अकाउंट का, वो हम देखते हैं। और लास्ट स्टेप में हम देखते हैं वो इंक्रीज़ किया है कि डिक्रीज़ किया है। ये थ्री स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो सम है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जो इंक्रीज़ किया उसको तो उस हेड के अंदर हम ऐड कर देते हैं, और जो डिक्रीज़ किया उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं उस हेड के नीचे, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कर जाती है, बैलेंस कर जाती है। उसके बाद हमने देखा था फॉर्मेट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, बिल्कुल याद करने वाला फॉर्मेट नहीं है। हमने प्रूफ क्या करना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो वही यहां लिखते हैं हम, सबसे ऊपर हम लिख देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और फिर हम लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उससे पहले दो कॉलम्स और रहते हैं जहां पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ABCDE, और फिर हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन जो वहां पे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दी होती हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को हम फर्दर बाइफोकेट करते हैं क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की सब डिविजन रहती हैं क्वेश्चन में, तो ये भी हम अच्छे से बताएं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है। नेक्स्ट हमने देखा था कि फाइनल बैलेंसेज यूज़ करके जो अकाउंटिंग इक्वेशन से निकलते हैं हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट जो डेट दी होती है, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं दी होती, वो हम डेट लिखते हैं। तो अगर यहाँ नहीं दी हुई तो हम इसको खाली रख देते हैं, बैलेंस शीट एज एट लिख देते हैं। लेफ्ट साइड जो होती है वो लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड होती है, और राइट साइड जो होती है वो एसेट साइड होती है। लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड हमें बताती है कितना हम ओ करते हैं दूसरों को, आगे चल के हमें कितने पैसे लोगों को देने हैं, और एसेट साइड हमें क्या बताती है, कितना हम आज ओन करते हैं। तो ये बैलेंस शीट ओवरऑल हमें क्या बताती है कि आज के दिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिस कारण से हम बैलेंस शीट को क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोल देते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो हमें बता रही है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कि कितना हम आज के दिन ओ करते हैं और कितना हम आज के दिन ओन करते हैं। तो चार कॉलम्स रहते हैं इसमें, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, अमाउंट इन रुपीस, एसेट्स और अमाउंट इन रुपीस। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो बैलेंस शीट का यहाँ पे अमाउंट साइड का जो टोटल होता है, दोनों टोटल क्या करने चाहिए, टैली करने चाहिए। अगर आप ये टोटल टैली नहीं करें, मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। और हमने देखा था आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, मतलब कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इट शुड बी सैटिस्फाइड, मतलब कि हर ट्रांजैक्शन के बाद जब बैलेंस निकलता है और आप चेक करोगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दिस इक्वेशन शुड होल्ड गुड। इससे पता चलता है जो भी आपने सॉल्व किया है, जो आपने ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डाला है, वो बिल्कुल सही डाला है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप इन हेड्स के नीचे नंबर्स डाल रहे होगे, तो ध्यान रखना है कि सही हेड के नीचे ही सही अमाउंट डालो और सही साइन यूज़ करो। इंक्रीज के लिए प्लस का साइन यूज़ करोगे और डिक्रीज के लिए क्या करोगे, माइनस का साइन यूज़ करोगे। और अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप क्या करोगे, कॉमास यूज़ करोगे डिजिट सेपरेट करने के लिए। तो इसी के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का जो समरी लेक्चर था वो भी ख़त्म होता है। यही थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने ध्यान में रखने हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हुए या इस चैप्टर को समझते हुए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप स्माइलिंग, डू शेयर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।